नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 100 शहर की 100 खबरें। पटना में टीईटी के अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए टीईटी के अभ्यर्थियों का हंगामा जेडीयू कार्यालय तक भी पहुंच गया। इस दरमियान टीईटी अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यसभा सदस्यता को रद्द करने के आदेश पर शरद यादव को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता रामचंद्र प्रसाद सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि शरद यादव को सैलरी और भत्ता मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूसरे चरण की यात्रा स्थगित होने पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी कांग्रेस ने यात्रा रद्द करने को प्रशासनिक विफलता बताया। विपक्ष के हमले पर जेडीयू ने पलटवार किया। मुजफ्फरपुर में भी सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और लोगों से उन्होंने बिहार में सामाजिक कुरीतियों के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाने की बात की। विकास समीक्षा यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार मधुबनी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कृषि रोड सहित कई विकास कार्यों की चर्चा की। मधुबनी के धगजरी गांव में सीएम की सभा के दौरान काले झंडे दिखाए गए। जैसे ही सीएम बोलने के लिए खड़े हुए, वित्त रहित शिक्षकों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि अधिकारियों के मनाने पर शिक्षक मान भी गए। सीएम नीतीश कुमार विकास समीक्षा यात्रा के दौरान 16 दिसंबर को दरभंगा जाएंगे। सीएम बिरौल प्रखंड में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दरमियान सीएम भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 12 नंबर को निरीक्षण करेंगे। 12 नंबर का साथ ही 7 विषय के तहत हर घर जल नल शौचालय सहित 340 करोड़ रूपये की 102 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रभारी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 2/3 से सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में भी बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत को लेकर जेडीयू ने विपक्ष पर निशाना साधा। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि विपक्ष खुली आंख का अंधा है और विधवा विलाप कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया कि बीजेपी जीत रही है। सासाराम में बीजेपी के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की। प्रशिक्षण शिविर में बिहार बीजेपी के कई विधायक सांसद और मंत्री शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 416 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण वर्ग 17 दिसंबर तक चलेगा। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के सीएम पर दिए गए झांसा यात्रा वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू परिवार 23 दिसंबर के चारा घोटाले के फैसले का इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पटना सिटी में 351 में प्रकाश उत्सव को लेकर तीसरी प्रभात फेरी निकाली गई। तब श्री हरमंदिर में पंच प्यारे की अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी में सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भागलपुर के अकबरनगर थाना इलाके के भवनाथपुर के पास ऑटो और पिकअप गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को भागलपुर मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी लोग सुल्तानगंज के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर के एमपी पीएस इलाके के चक्कर चौक पर उपद्रवियों ने बस में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस पर धावा बोला और बस को आग के हवाले कर दिया। सासाराम के तिलौत में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। मृतक साहिल कुमार तिलौथू का रहने वाला था। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। दरभंगा के मझिगामा हाट के नजदीक ड्यूटी कर लौट रहे एक होमगार्ड के जवान को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे इलाज के दरमियान होमगार्ड के जवान कैलाश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। कैलाश के आमचक गांव के रहने वाले थे। छपरा के मशरक मलमलिया SH-73 पर ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई।
मधुबनी के खजौली थाना इलाके में सीमेंट से लदा हुआ ट्रक पलटने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे बेकाबू ट्रैक्टर को बचाने के क्रम में हादसा हुआ। घटना में ट्रक चालक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वैशाली के चकोसन बाजार में ज्वेलरी दुकान में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दो अपराधियों ने दुकान से सोने की लूट की। हालांकि वारदात के बाद भाग रहे अपराधियों का मोबाइल पिस्टल और मैगजीन गिर पड़ा। दानापुर में बालू के लिए ट्रक ऑनर और मजदूरों ने बवाल कर दिया है। मजदूरों ने मनेर पेट्रोल पंप के पास एनएसटीस को जाम कर दिया और आगजनी की। बालू पर बनी नई नीति को हटाकर पुरानी नीति को चालू करने की मांग कर रहे हैं। मोतिहारी जिला स्कूल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल के छात्र मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने में निर्धारित फीस से 100 रूपये ज्यादा लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल को बंधक बनाकर हंगामा किया और नारेबाजी की। भागलपुर के सुल्तानगंज में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर मिडिल स्कूल में मिड डे मील में अंडा नहीं देने से छात्र नाराज थे। मुंगेर में नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी ने गेट पर ताला चढ़कर हंगामा किया। नाराज कार्यपालक सड़क पर लेटकर नियुक्ति की मांग करने लगे। फारबिसगंज के भरगामा में पुलिस ने 131 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सुकेला में एक महिला अपने घर में शराब की बिक्री कर रही है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। नवादा में धान की पुंज में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए अब तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि इसके कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। बेगूसराय के आकाशपुर गांव में भयंकर आग लगने से 12 मवेशियों की मौत हो गई। साथ ही डेरे में रखा 1 लाख का चारा भी जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 56 के तरैया थाना इलाके के मुकंदपुर मठिया के पास से जली हालत में एक ट्रैक्टर बरामद हुआ। हालांकि ट्रैक्टर कैसे जला इसका खुलासा नहीं हो पाया। नवादा में नक्सल प्रभावित इलाके रजौली में उत्पाद की टीम ने शराब भट्टियों को नष्ट किया है। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद करीब 250 लीटर जावा महुआ नष्ट कर दिया। बेगूसराय के परमानंदपुर पंचायत में ऑटो लेकर बकरे की चोरी करने गए चोरों को लोगों ने पकड़ लिया है। चोरों को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। ग्रामीणों का कहना है कि कमालपुर निवासी कारेलाल महतो बकरे को ऑटो से लेकर भाग रहा था। जेपी सेतु के निर्माण के 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से पुल की हालत बिगड़ने लगी। पुल पर रात में न तो लाइट जलती है और न ही सुरक्षा का कोई इंतजाम रहता है। ICAS अधिकारी जितेंद्र झा के पैतृक घर सुपौल के भवनगामा में जितेंद्र की गुमशुदगी की खबर से परिवार वाले परेशान हैं। तो गुरुवार की शाम जितेंद्र झा के लाश मिलने की खबर सुनते ही ICAS अधिकारी जितेंद्र झा के पिता दर्प नारायण झा दिल्ली के लिए रवाना हुए। झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2017 विधानसभा से पारित हो गया है। इसके तहत अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव दलगत आधार पर होंगे। इसके अलावा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का चुनाव भी दलगत आधार पर ही होगा। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक 2017 को प्रवर समिति में भेजने पर सवाल उठाए। हेमंत सोरेन का कहना था कि जब सब लोग इसके विरोध में थे तो फिर इसे प्रवर समिति में क्यों भेजा गया। सदन में सीएम रघुवर दास ने कहा कि विपक्ष हठ धर्मिता का परिचय दे रहा है। सीएम ने कहा कि जेएमएम पिछले 47 सालों से जनता को ठग रहा है और छल रहा है। उन्होंने कहा कि 14 सालों से जेएमएम ने स्थानीय नीति के नाम पर महज राजनीति की। लातेहार में परवाड़ी रेलवे अस्पताल में रेलवे यूनियन के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। रेलवे यूनियन के केंद्रीय नेताओं ने अव्यवस्था के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया। बालूमाथ थाना पुलिस ने परियातू के पास पिछले 7 दिसंबर को हुई दवा कारोबारी मुरारी प्रसाद की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
डिप्टी के तौर पर कर्रा इलाके में संजय नाग नाम का एक उग्रवादी, उससे लोग खौफ खाते थे, लेकिन आज वही उग्रवादी मुख्य धारा से लौटकर रोजगार कर रहा है और 200 लोगों को रोजगार दे रहा है। संजय नाग की इस पहल से तोरपा और कर्रा के ग्रामीण गदगद हैं, तो खूंटी पुलिस इसे एक मिसाल के तौर पर देख रही है। संथाल परगना में नक्सली गतिविधियों को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। एक तरफ पुलिस नक्सल प्रभावित इलाके में विशेष अभियान चला रही है, तो लोगों का विश्वास जीतने का भी काम कर रही है। इसके लिए पुलिस थाने और अतिरिक्त चौकियों का भी निर्माण किया जा रहा है। बोकारो में बीजेपी जिला मंत्री कमलेश राय के बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। निहाल कुमार 11वीं का छात्र था। जानकारी के मुताबिक निहाल कुमार पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से तनाव में था। सरायकेला में सड़क दुर्घटना में 3 स्कूली बच्चों समेत एक व्यक्ति घायल हो गया। सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर तागरानी गांव के पास घटना गंभीर है, हालत में उसे जमशेदपुर रेफर किया गया। गढ़वा में बालू माफिया सक्रिय है। जिले के सभी बालू घाटों से बालू का उठाव हो रहा है। उधर माफियाओं की मनमानी की वजह से खनन विभाग को भी अच्छे खासे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो खनन विभाग को 15 लाख रूपये से ज्यादा के राजस्व की वसूली हुई। लातेहार के वन क्षेत्रों में अफीम की खेती जारी है। हालांकि जिला प्रशासन अफीम की खेती रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रहा है, फिर भी नशे के सौदागर इसकी खेती करने से बाज नहीं आ रहे। मरमर और सिलेटीन वन भूमि पर नदी किनारे पुलिस ने जंगल में बोई गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी लातेहार जिले के अति नक्सल प्रभावित हिरहंज थाना इलाके में कोयला माफिया सक्रिय है। नक्सलियों की शह पर इस वन क्षेत्र से अवैध कोयले का कारोबार पल फूल रहा है। गुमला सदर थाना इलाके के कोलपारा घट्टा गांव के रहने वाले मनरगा उराव पर अपराधियों ने हमला कर दिया। अज्ञात अपराधियों ने पहाड़ पनारी गांव में हमला किया। इसकी वजह से मेहरंग उराव की हालत गंभीर बनी हुई है। हजारीबाग में इचाक के डुमरौन गांव में बड़ा अजगर निकल गया, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि अजगर गांव के ही विद्यालय में घुसा था। बाद में वन विभाग ने को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़कर ले गए। रामगढ़ में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले की सभी मुख्य सड़कों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। इस मुहिम के तहत प्रशासन को लाखों के राजस्व की वसूली हुई। पलामू जिले में पंडवा प्रखंड के छिछोरी गांव में खंडहर में तब्दील हो चुका गुप्तकालीन एक बौद्ध स्तूप मिला। सदाबा के तट पर स्थित यह बौद्ध मंदिर अपने कल से करीब 30 फीट ऊंचा है। यह मंदिर स्तूप नुमा एक टीले पर स्थित है। टीले का क्षेत्रफल करीब 10,000 वर्ग मीटर है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई कुल मशीनों में से 25% की जांच की मांग की थी। कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी थी। ट्रिपल तलाक पर 3 साल की सजा वाले बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी। सरकार की इसी सत्र में पास कराने की कोशिश। पीड़ितों को गुजारा भत्ते का अधिकार और नाबालिग बच्चों की कस्टडी देने का प्रस्ताव। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को मंजूरी दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेगा एनएमसी बिल। पास हुआ तो मेडिकल की पढ़ाई आसान होगी, संस्थानों की वक्त वक्त पर जांच होगी। राज्यसभा में शरद यादव और अली अनवर की सदस्यता को लेकर हंगामा। गुलाम नबी आजाद ने उठाया मुद्दा। राज्यसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी, कहा तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा, हमने शरद यादव की सदस्यता का विरोध किया, बात नहीं सुनी गई, विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है। आनंद शर्मा ने मनमोहन सिंह पर पीएम के बयान का भी मामला उठाया, कहा संवैधानिक पदों पर रहे राजनेताओं पर आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का मुद्दा उठाया, कहा पीएम मोदी को सदन में आकर सबूत देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, कहा मैं अब रिटायर हो जाऊंगी। राहुल हैं कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष।
सोनिया गांधी पर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, कहा रिटायरमेंट सिर्फ अध्यक्ष पद से राजनीति से नहीं, उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, लोकसभा में 3 सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में गुरदासपुर से चुने गए सांसद को शपथ दिलाई गई, पीएम ने नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराया। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से शुरू होने वाला सत्र 2018 तक चलेगा, दूरगामी प्रभाव डालने वाले कई बिल संसद में पेश होंगे। पीएम मोदी ने कहा उम्मीद है सभी दल मिलकर देश हित के लिए संसद के वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे जलाने पर बैन जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने से इंकार। सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई, मोबाइल सेवा, बैंक खातों और दूसरी सेवाओं से जोड़ने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई गई। तीस्ता शीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सबरंग ट्रस्ट के बैंक खाते को डिफ्रीज करने की मांग दोहराई। शीतलवाड़ के एनजीओ पर 2 करोड़ की धांधली के बाद बैंक खाता सीज किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और अनंतनाग समेत कई जिलों में धारा 144 लागू, अलगाववादियों ने प्रदर्शन रैली का ऐलान किया, मार्च निकालने की कोशिश कर रहे अलगाववादी, मीरवाइज उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश करने वाले शिव सैनिकों को धमकी मिलने का दावा, प्रदेश अध्यक्ष डिम्पी कोहली के घर के बाहर चिट्ठी मिली। गुजरात में फिर दिखा मोदी का मैजिक, जी मीडिया के महा एग्जिट पोल में लगातार छठी बार बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। जी मीडिया के महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 118 और कांग्रेस को 63 सीटें मिलने का अनुमान। दो हजार बारह के मुकाबले बीजेपी को 3 सीटों का फायदा, कांग्रेस को भी 2 सीटों के फायदे का अनुमान, हिमाचल में 5 साल बाद बीजेपी कर रही है वापसी, महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 19 सीट का अनुमान। दिल्ली के खान मार्केट में बम की खबर अफवाह निकली, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम को जांच में कुछ नहीं मिला, मादीपुर में रहने वाले दीपक नाम के शख्स को व्हाट्सएप के जरिए बम की खबर मिली। दिल्ली में आईसीएएस अधिकारी जितेंद्र झा का शव दिल्ली कैंट इलाके में रेलवे ट्रैक से मिला, सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। परिवार ने जितेंद्र के शव को पहचानने से इनकार कर दिया है, पुलिस ने कहा जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। दिल्ली सरकार के जीबी पंत अस्पताल में दिल्ली वासियों के लिए 50% बेड रिजर्व, केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन ठंडी हवाएं जारी रहेंगी। पुणे में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की पिटाई, बीच सड़क पर 3 लड़कों ने पीटा, आसपास खड़े लोगों ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन उसकी मदद नहीं की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के पिता की कार ने महिला को कुचला, महिला की अस्पताल में मौत। हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी के उत्तरी इलाकों तक प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर बैन, एनजीटी का आदेश। गंगा किनारे प्लास्टिक से बने सामान को स्टोर करना, बेचना और इस्तेमाल करने पर पूरी तरीके से रोक, उल्लंघन करने पर 5,000 का जुर्माना। लखनऊ में ई रिक्शे पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, परिवार वालों ने वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। वाराणसी में जापान के युवक से लूट, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, धारदार हथियार से ली जान, आरोपी फरार। मथुरा में 2 गुटों में विवाद के बाद लाठी डंडे चले, झगड़े के समय कई लोग नशे में थे। आगरा के गुरुद्वारे में दान पेटी में चोरी, कैश लेकर चोर फरार, सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड।
2019 का चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ेगी शिवसेना। आदित्य ठाकरे ने कहा, आखिरी फैसला शिवसेना अध्यक्ष लेंगे। फडणवीस सरकार से समर्थन वापसी का आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। संजय राउत ने कहा, बीजेपी से संबंध अच्छे नहीं। तिरुवनंतपुरम में मछुआरों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन। ओखी तूफान रिलीफ फंड जल्द देने की मांग। जयपुर में तेज रफ्तार बाइक सड़क हादसे का शिकार, एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अलवर के पास हादसा, कोहरे की वजह से तीन ट्रक आपस में भिड़े, तीनों को तुरंत हटाया गया। बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एनपीए क्रेडिट ग्रोथ जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात हिमाचल के एक्सिट पोल को बाजार का सलाम। निफ्टी 10,350 के पार, ट्रिपल सेंचुरी के साथ सेंसेक्स 33,500 के ऊपर। गूगल एक्स विशाखापट्टनम में डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ। मुंबई मेट्रो ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया। मुसीबत में यात्रियों को बचाएगा सिक्योर केयर ऐप। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सैलरी दुगनी हो सकती है। कोहली और कोच ने प्रशासनिक समिति के सामने मांग की। बीसीसीआई की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी का बयान, कहा सैलरी बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। प्रत्यर्पण से बचने के लिए माल्या का नया बहाना। लंदन की कोर्ट में वकील ने कहा, भारत की जेलें बहुत गंदी, कैदी ठूस ठूस कर भरे हुए। जर्मनी में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 9 जगह छापेमारी, 4 में से 3 संदिग्धों के सीरिया में होने का शक। फिलिस्तीनी विद्रोही संगठन हमास के 30 साल पूरे। गाजा में निकाली गई रैली में हजारों लोग हुए शामिल। पुतिन ने विश्व के नेताओं के बीच अच्छे संबंधों पर जोर दिया, कहा ट्रंप को पहले नाम से पुकारते हैं। अफ्रीकी देश कांगो में 46 महिलाओं का रेप करने के जुर्म में 11 लड़ाकों को उम्र कैद। अंधविश्वास के चलते 18 महीने की बच्ची का भी रेप किया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पुलिस ट्रेनिंग कैंप में आत्मघाती बम धमाका, 18 अफसरों की मौत। ग्रीस में सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। 19 दिसंबर को नए बजट पर संसद में होनी है वोटिंग।